नेकियां श्राप को वरदान बना देती हैं, राह दुश्वार हो आसान बना देती हैं। हौसला मत हार गिर के ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। जी हाँ, कुछ ऐसी ही दास्तां है बोहड़ सिंह की। आज की कहानी का ये पात्र साबित करता है कि इंसान अगर कुछ करने की ठान ले तो सब कुछ संभव है, जैसा कि बोहड़ सिंह ने कर दिखाया। तू सोना तेरा ना सोना, जदों हसदाए फुल खिल देने, तेरे दीद जदों भी पालिए, कमल खिल उठते दिल दे। तो हसदाए फुल खिल देने, तू सोना तेरा ना सोना। राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ी संगरिया का रहने वाला बोहड़ सिंह खुद को ही सर्वशक्तिमान मानने लगा था। लोग उसे तांत्रिक बाबा के नाम से जानते थे। गांव के भोले भाले लोगों को बहला फुसला कर वो खुद ही महागुरु बन बैठा। झाड़ फूक का ढोंग रचाता, लोगों को भ्रमित करता, कुछ कहने पर अपनी ही बीबी को प्रताड़ित करता। राजस्थान के सिंहपुरा गांव की सुबह बड़े खुशनुमा माहौल से शुरू होती है। हर कोई अपने नित्य कार्य में लगा नजर आता है। हरा भरा ये गांव बड़े ही चैन के साथ एक दूसरे से मिलजुल कर रहता है। यहीं रहता है बोहड़ सिंह। शाम होते ही यहाँ की आबोहवा में फैलने लगती है कुछ अजीबोगरीब आवाजें। हर तरफ फैल जाता है खामोशी का साया। Thank you.
बच्चा उठ, खड़ी हो और वहां जाकर बैठ जा, तेरे सब कष्ट दूर होंगे। मैं यहाँ दर्द से कर्रा रही हूँ और तू ये पाखंड रचा के बैठा है, ये ढोंग कर रहा है। चल तू अभी चल, तुम लोग भी जाओ यहाँ से, ये कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, ये पाखंडी है, ये पाखंडी ढोंगी, जाओ तुम लोग जाओ यहाँ से। रुक रुक, मैं तेरे सभी कष्ट अभी दूर कर देता हूँ, चल यहाँ से, चल चल यहाँ से। बोहर सिंह की बीवी की तबीयत खराब होती जा रही थी, उसकी असहनीय पीड़ा बढ़ती ही जा रही थी। हताश और परेशान बोहर सिंह के लिए ये घड़ी बड़ी ही दुखदाई थी, क्योंकि यहाँ पे उसकी सभी तंत्र विद्याएं नाकाम हो जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो है एक सच्चे सदगुरु।